देख रहे हैं आपका बाजार, मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में मैं हूं आपके साथ सुमित। और भारतीय बाजारों की शुरुआत भले ही बहुत ज्यादा निगेटिव टोन के साथ होते हुए दिखाई पड़ी हो, करीब करीब 500 अंकों की गिरावट शुरुआती दौर में सेंसेक्स में देखने को मिली और निफ्टी में भी करीब 150 अंकों ज्यादा गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजारों की तर्ज पे ही देखने को मिली। लेकिन लोअर लेवल से कुछ पुल बैक जरूर आया है और स्पेशली जो पुल बैक आया है वो सेंसेक्स में खासतौर से ज्यादा आता हुआ दिखाई पड़ा है। सेंसेक्स में रफली 400 अंकों की गिरावट अभी भी है, 338-380 अंकों के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी में करीब 87-50 के नीचे ही कामकाज कर रहा है, रियल एस्टेट शेयरों में बिकवाली है, स्पेशली साथ साथ बैंकिंग, ऑटो, मेटल ये भी काफी तक टूटे हुए हैं, तेल गैस शेयर भी टूटे। अदर सेंसेक्स के सभी सेक्टर जो है वो लाल निशान में ही कामकाज कर रहे हैं। 90,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप साफ हो चुकी है, लेकिन कुछ जो रिकवरी आई है वो स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में ज्यादा देखने को मिल रही है। छोटे मझोले शेयरों को अगर आप देखें तो वहां पर स्लाइटली रिकवरी आई है। निफ्टी भी अभी भी करीब 130 अंक नीचे कामकाज कर रहा है, 87-36 के स्तरों पर, 87-45 तक के स्तर भी निफ्टी ने छुए हैं अपनी रिकवरी के टाइम पर, लेकिन अभी भी करीब करीब 130 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स इस समय में 300 अंक था, करीब 300 अंक नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स 220 अंक नीचे था, वहां से रिकवर होकर 170 अंक नीचे अब कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक करीब 427 अंक नीचे, करीब 500 अंकों की गिरावट थी, तो थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है, लेकिन अभी भी बाजार जो है वो एक अच्छी खासी गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आपका बाजार के इस एडिशन की। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मानस जायसवाल और साथ ही विकास सेठी है, जो कि आज के सेशन में आपकी सभी क्वेरीज का जवाब देंगे। फटाफट से आपको तरीका बता देते हैं, अगर आप भी शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और एक्सपर्ट से शेयर्स के बारे में क्वेरीज जानना चाहते हैं तो उठाइए अपना फोन, SMS के जरिए अपनी क्वेरीज भेजिए, शेयर लिखिए, हमारा कीवर्ड है, सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी टोल फ्री लाइन है 1800-1803545, ऑल्टरनेट लाइन है 01204258237। आप हमें WhatsApp के जरिए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, WhatsApp का नंबर आपकी स्क्रीन पर 7840200000 पर अपना सवाल भेजिए और हम उसको आंसर जरूर करेंगे। दो जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, विकास सेठी है और मानस जायसवाल है, और साथ ही साथ जिन शेयरों में तेज बिकवाली बीते 3 सत्र में देखने को मिली है, आप उन पे दांव अगर आपने लगा रखा है या उनमें आपकी पोजीशन है तो आप तुरंत सवाल पूछिए। हमारे साथ दोनों जानकार आपके सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं। पहले दर्शक भी हैं, मनीष है मोहाली से। मनीष जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनीष जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। बढ़िया सर, एक्चुअली मेरे को राय जानी यस बैंक के ऊपर। ओके, आपने निवेश कर रखा, करना चाहते हैं आप? सर मैंने इसमें निवेश किया हुआ था, फ्राइडे को मैंने इसमें से पोजीशन कट ऑफ कर ली है। ओके, मैं फर्दर जानना चाह रहा हूँ कि इसमें दोबारा इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। जी, मुनाफा लेकर निकले थे आप पहले मनीष जी? नहीं सर, लॉस बुक किया है, 400 के भाव में परचेज किया था, 1200 चलिए। विकास, इनका सवाल यस बैंक पर है, लगातार 3 दिन में 15% ये शेयर टूट चुका है, क्या करना चाहिए इन्हें? ऑलरेडी एक बड़ी तेजी दिखाने के बाद मुनाफा वसूली आ रही है, अब आपकी राय क्या है, क्या करें इसमें? 5% आज भी नीचे कामकाज कर रहा है, दोबारा निवेश करें या फिर अभी रुक जाए? बिल्कुल सुमित, ये यस बैंक में देखिए फंडामेंटली या परफॉर्मेंस वाइज तो कोई दिक्कतें नहीं थी, बट मतलब जिस तरीके के नतीजे ये बैंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर देती है बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, बट वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच्ड हो चुके थे और जो ये QIP का जो फियास्को हुआ है वो बाजार को समझ में नहीं आया और उस कारण से एक अच्छी गिरावट हमने देखी है। बट मुझे लगता है अभी भी खरीदारी करने के लिए थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। ये स्टॉक अगर 1150 के लगभग आता है तो लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए, बहुत अच्छी बैंक का अच्छे दर से ग्रो कर रही है। सो आई वुड रिकमेंड कि अभी थोड़ा फिलहाल इंतजार करना चाहिए और 1150 के लेवल पे अगर बाजार में करेक्शन रहता है और ये स्टॉक 1150 के लेवल पे मिलता है देन डेफिनेटली लंबी अवधि के लिए इसमें खरीदारी करें। जी बिल्कुल, तो आपको सलाह दी गई है कि आप 1150 तक के लेवल्स के लिए वेट कीजिए और तब आप यहाँ पर लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर अब ओडिशा से सत्यव्रत जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सत्यव्रत जी, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैंने 100 शेयर लिया हूँ इंडियन बैंक के 241.50 पे, तो अभी इसको होल्ड पर रखना चाहिए या बेच देना चाहिए? राइट, आपको सलाह दिलवा देते हैं, ऑलरेडी हमने देखा है कि बीते 3 दिनों में जो गिरावट देखने को मिली है करीब 7% की गिरावट इंडियन बैंक में भी देखने को मिली है और 241 पर आपने खरीदा है, 220 पर फिलहाल ये शेयर चल रहा है, आज भी 4.25% तक की वीकनेस देखने को मिल रही है। मानस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग मानस, क्या सलाह देंगे आप इनको इंडियन बैंक पर? गुड मॉर्निंग, देखिए जहाँ तक बात ट्रेंड की है, ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव लगता है, ये जरूर है कि पिछले 2-3 दिनों में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है, बट लोअर लेवल पे देखिए तो अगर आपका टाइम फ्रेम 3-6 मंथ्स का है तब तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 200 रुपये 195 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 195 स्टॉक का 50 दिनों का मूविंग एवरेज है,
तो मेरी राय में तो टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा रखें, अगर 6 to 8 months का टाइम फ्रेम रखेंगे तो बेहतर रहेगा। आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में 240 के लेवल्स भी ब्रेक होंगे, स्टॉक कोशिश करेगा 265 और 275 के रेंज में जाने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो बने रहें, अपना स्टॉप लॉसेस 190 के नीचे रखें तो बेहतर रहेगा। जी राजेश से बातचीत कर लेते हैं, पुणे से मौजूद है राजेश जी, नमस्कार। नमस्कार राजेश जी, क्या सवाल है? डीलिंग का मेरे पास 525 शेयर है, 109 एवरेजिंग कॉस्ट है। जी तो क्या करना चाहिए, टाइम फ्रेम क्या रखते हैं आप इसमें? 5 to 6 months। विकास सवाल डी लिंक पर है, इन्होंने खरीदारी कर रखी 105 रुपए के भाव, 109 रुपए के भाव पे, 525 शेयर हैं, हायर लेवल से काफी करेक्ट भी हुआ है, 120 121 रुपए टूटता है शेयर, 80 रुपए की रेंज में आ चुका है। आप क्या राय रखते हैं, क्या करना चाहिए डी लिंक में? देखिए सुमित, अनफॉर्चुनेटली निवेशक ने ऊंचे लेवल पे इस स्टॉक को खरीदा है और स्टॉक आजकल अपने 52 वीक लोज के आसपास चल रहा है, बट जिस तरह से सरकार का एक डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है उसका एक मेजर बेनिफिशियरी ये कंपनी हो सकती है, तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे बिल्कुल ये बने रह सकते हैं और अगर समय देंगे तो यहाँ से इनको अपसाइड देखने को मिलेगी। ऑल राइट, चलिए बने रहने की फिलहाल डीलिंग पर आपको सलाह दी गई है और अपसाइड यहाँ पर देखी जा सकती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ अब जमशेदपुर से माथिली जी जुड़ी हैं फोन लाइन पर। नमस्कार माथिली जी, पूछिए अपना सवाल। जी माथिली जी, आप पूछ सकती हैं अपना सवाल। जी मेरा टाटा मोटर, जी मेरा टाटा मोटर है हम, जी मेरा टाटा मोटर है हम उसको हम खरीदना चाहते हैं और मेरे पास पहले से भी 550 का 200 शेयर है, तो हम क्या करें? चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। जी आपको राय दिलवा देते हैं, मानस टाटा मोटर्स पर आपकी क्या राय होगी? ऑलरेडी ये 200 शेयर्स होल्ड करती हैं 550 के लेवल्स पर, अभी 556 का भाव चल रहा है, क्या और फ्रेश एडिशन की सलाह देंगे टाटा मोटर्स पर फिलहाल? देखिए एक बहुत ही स्मार्ट रैली हमने देखी है, मेरे ख्याल से 300 रुपए के आसपास स्टॉक चलना शुरू किया तो लगातार हाई टॉप हायर बॉटम बनाते हुए पिछले दिनों हमने करीब करीब 600 रुपए के लेवल्स देखे। ये जरूर है कि 600-605 एक रेजिस्टेंस है, बट पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि शायद आने वाले टाइम में ये लेवल्स भी ब्रेक होंगे, स्टॉक कोशिश करेगा 680-700 की रेंज में आने के लिए। मैं समझता हूँ कि अगर टाइम फ्रेम बड़ा है इनका, अगर करीब करीब एक साल के लिए होल्ड कर सकते हैं तब तो बने रहे, और हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए जब तक स्टॉक 450 जो कि स्टॉक का 200 दिनों का मूविंग एवरेज है उसके नीचे फिसलता नहीं है। तो मैं समझता हूँ थोड़ी सी गिरावट का इंतजार करें, एक बार स्टॉक 520 या 500 की रेंज में आए तो वहाँ पर फिर से खरीदारी करें, और जो उनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें तो मैं बने रहने की ही सलाह दूंगा जब तक स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज जो कि 450 के आसपास है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। जी तो आपको राय दी गई है टाटा मोटर संदर्भ में, करीब करीब 3% नीचे शेयर कामकाज कर रहा है, आप यहाँ पे बने रह सकते हैं, कुछ भी रिकवरी आती है तो पार्टिसिपेट जरूर करेगा।